नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, ICR मध्य भारत समाचार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्ष 2021 में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के फसल सुधार विभाग ने किसानों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं एवं उन्हीं अनुसंधान की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, प्रभारी फसल सुधार विभाग एवं प्रधान वैज्ञानिक। किंतु सबसे पहले आइए जानते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। असम के जोरहाट में बोडोलैंड प्रादेशिक कृषि परिषद, असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट, कृषि अभियांत्रिकी विभाग जोरहाट, कृषि विज्ञान केंद्र बोडोलैंड टेरिटोरियल और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के द्वारा उन्नत सोयाबीन तकनीकी की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृणाल कुचलान ने बोडोलैंड असम में सोयाबीन बीज उत्पादन कार्यक्रम की विशेष संभावनाओं के संदर्भ में प्रस्तुति दी। इसी कार्यशाला में संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने उन्नत सोयाबीन उत्पादन तकनीकी के बारे में प्रस्तुतिकरण किया। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने कृषि एवं प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संयुक्त सहयोगी कार्यक्रम की संभावनाओं पर दिनांक 23 मार्च को भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में दोनों संस्थानों के निदेशक एवं वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों, छात्रों और अनुसंधान समूहों के बीच संबंधों को सुधारना, मजबूत करना और बढ़ावा देना एवं साझा प्रयास से कार्य करना है। IIT इंदौर के निदेशक प्रोफेसर जोशी ने कहा कि साझा सहयोग कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रदान करके काफी मदद करेगा, जो समाज और किसानों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर ने जोर देकर कहा कि सोयाबीन उगाने वाले क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चिंता है और नई तकनीकों जैसे सटीक कृषि, कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन का उपयोग, सिंचाई में स्वचालन के लिए IoT और विभिन्न कृषि पद्धतियों से सोयाबीन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अनुसंधान और भविष्य के सहयोग एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए IIT इंदौर के निदेशक और वैज्ञानिकों को सोयाबीन संस्थान के ग्रीन हाउस, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, बिजनेस पार्क, अनुसंधान फार्म आदि का दौरा कराया गया। नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं आपके सम्मुख भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के फसल सुधार विभाग की 2021 की उपलब्धियां बताने जा रहा हूं। हमारे संस्थान ने वर्ष 2021 में 7 सोयाबीन की वैरायटियों को नोटिफाई कराया। इन 7 सोयाबीन की वैरायटीज़ में 3 सोयाबीन की किस्में सेंट्रल जोन के लिए यानी कि मध्य भारत के लिए हैं। ये किस्में हैं NRC 130, NRC 138 और NRC 142। इन किस्मों के अतिरिक्त हम लोगों ने अन्य क्षेत्र जैसे भारत का दक्षिणी भाग, भारत का पूर्वी भाग और भारत का नॉर्थ प्लेन जोन, इनके लिए भी वैराइटीज़ रिलीज की हैं। आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि हम लोगों के बहुत से नए ब्रीडिंग मटेरियल जो कि अभी वैरायटी नहीं बने हैं वो हमारे AVT2 ट्रायल्स में हैं। और इस वर्ष जो हमारी AICRP की वर्कशॉप 17-18
मई में होने जा रही है उसमें इनके चिन्हित होने, इनके आइडेंटिफाई होने की संभावना है और शीघ्र ही आपको इन वैरायटीज का सीड मिलेगा। इन वैरायटीज में खाने के उपयोग की वैरायटीज हैं और जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं और काफ़ी अधिक उपज देने वाली वैरायटी भी हैं। साथियों, हम लोगों को जब नई वैरायटी बनाते हैं तो बहुत सारे पैतृक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। पैतृक द्रव्य वे पदार्थ होते हैं, वे लाइंस होती हैं जिसमें उपज अधिक नहीं होती है लेकिन उसमें बहुत से अच्छे गुण, जैसे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता, खाने के लिए मोटा दाना, इस तरह के गुण होते हैं। तो हम इन पैतृक द्रव्यों को यूज करके इन गुणों को अपनी अच्छी वैरायटीज़ में लाते हैं। आपको बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने इस वर्ष 6,000 पैतृक द्रव्य अमेरिका से इंट्रोड्यूस किए हैं, अमेरिका से मंगवाए हैं। और इस वर्ष एक और अच्छा काम हम लोगों ने पैतृक द्रव्य को लेके किया है कि हमने पूरे भारतवर्ष के पैतृक द्रव्य जो लगभग 8,000 हैं उनको UAS बेंगलोर यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलोर में एक साथ उनको लगाया हुआ है। ये सारे पैतृक द्रव्य बेंगलोर में ग्रो हो रहे हैं और इस वर्ष हमने 2,000 के लगभग पैतृक द्रव्य पूरे भारत में सोयाबीन में जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं उनको भेजे हैं। आप सभी लोग JS 9752 से भली भांति परिचित होंगे। पूर्व में हमने JS 9752 का खाने योग्य वैरायटी NRC 127 डेवलप की थी लेकिन ये दोनों ही वैरायटीज़ में इनके पकने की अवधि बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 105 दिन में पकती हैं और इनका बीज काफ़ी छोटा है। इन दो कमियों को हटाने के लिए हमको भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें हमें JS 9752 के सीड के साइज को बढ़ाना है तथा उसके पकने की अवधि को कम करना है। इसके अलावा हम लोग कम अवधि की सोयाबीन को डेवलप करने के लिए हमने एक ब्रीडिंग लाइन डेवलप की है जो 68 से 70 दिन में पक जाती है और इसकी यील्ड भी ठीक ठाक ही रहती है। ये यील्ड इसकी JS 20, 34, 95, 60 के लगभग बराबर या उससे थोड़ी सी कम थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये वैरायटी आप लोगों के पास में आ पाए, ये वैरायटी शीघ्र ही आप लोगों के पास में आ जाए। किसान भाइयों, जो सोयाबीन का तेल होता है इसमें ज़्यादा देर दिनों तक रखने की क्षमता नहीं होती है। जब हम इस तेल को कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो इसमें से कुछ बदबू आने लगती है। ये कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ऐसी सोयाबीन बनाई है जिसमें कि ओलिक एसिड की मात्रा 60% के लगभग है। ओलिक एसिड जब सोयाबीन के तेल में ज़्यादा होगा तो इसकी रखने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी और सोयाबीन के तेल को ज़्यादा दिनों तक आप घरों में रख पाएंगे। और सोयाबीन जो है अपनी रेन फेड क्रॉप है यानी वर्षा आधारित इसकी खेती की जाती है। इस हेतु सोयाबीन की जड़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि सोयाबीन की जड़ें गहरी जाएं और भूमि में काफ़ी दूर तक फैलें। लेकिन क्योंकि सोयाबीन की जड़ें भूमि के अंदर जाती हैं उनकी स्टडी करना, उनकी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसको देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है जिसको कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहते हैं। आप लोगों में से कई लोग इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम को सब्जी को उगाने के लिए यूज करते होंगे। हम लोगों ने इस सिस्टम से सोयाबीन की जड़ों की स्टडी के लिए इसको यूज करने के लिए इसको लगाया, अपने संस्थान में लगाया है। सोयाबीन में एक बीमारी होती है एंथ्रेक्नोज। ये वेजिटेटिव स्टेज यानी कि जब पौधा बढ़ रहा है उस समय पे भी आती है और ये बीमारी सोयाबीन की फलियों पर भी आती है। जब हम लोग कोई हम लोग बीमारी को अपने वैरायटी में लाते हैं तो इसके लिए हमें जितना भी ब्रीडिंग मटेरियल डेवलप होता है उसमें हम लोग इस बीमारी को कृत्रिम रूप से
लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमको पता लग सके कि कौन सा पौधा हमारा रेजिस्टेंट है और कौन सा ससेप्टेबल है। अभी तक हमारे पास में एंथ्रेक्नोज के लिए कोई भी ऐसी विधि नहीं थी जिससे कि हम कृत्रिम रूप से पता कर सकें कि कौन सा पौधा रेजिस्टेंट है, कौन सा ससेप्टेबल है। लेकिन 2021 में हमने इस तरह की एक विधि डेवलप कर ली है। और आपको सभी को पता होगा कि सोयाबीन का सीड बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, उसको बहुत संभाल के रखना होता है, उसका सीड कोट बहुत पतला होता है, उस पर उसको अगर हम जब हम कटाई करते हैं तो हमको बहुत सावधानी करनी होती है, उसके बीज को स्टोरेज में बहुत सावधानी करनी होती है। लेकिन तब भी सोयाबीन के बीज में बहुत से नुकसान हो जाते हैं। इस नुकसान को कम करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सी ऐसी लाइंस डेवलप की हैं जिसमें कि बीज का जो कोट होता है, सीड कोट होता है, उसमें प्रोटीन अधिक है, उसमें लिग्निन अधिक, और जब ये प्रोटीन और लिग्निन ज्यादा होते हैं तो सीड कोट में ज्यादा मजबूती आ जाती है, और इस मजबूती के आ जाने से उसमें इन नुकसान के होने के चांस कम हो जाते हैं। धन्यवाद साथियों, मैं फिर आपसे अपने डिवीजन के फसल सुधार विभाग के नए उपलब्धियों को बताने के लिए फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।